बहुत कॉमन ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि हम एक माह में तैयारी कर सकें तीन चीजें सिर्फ आपने करनी है सबसे पहले अंडरस्टैंड द पैट वीक टू के अंदर आपने सिर्फ सेक्शन टेस्ट्स देने हैं आपने क्या करना है कि हर सेक्शन का एक एक टेस्ट देना है पूरा पूरा लिसनिंग का टेस्ट पूरा स्पीकिंग का टेस्ट सिर्फ सेक्शन नॉट द फुल्थ टेस्ट असलम वेलकम टू अनदर वीडियो आई एम अहमद वन ऑफ द आई एस एन पी डी ट्रेन एट एरीफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन मंथ प्रिपरेशन प्लान फॉर द पीयर्स इन टेस्ट ऑफ इंग्लिश अगर आप पी डी की प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाहते हो तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर यू आप ये नोटिस कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपने किस तरह से डिवाइड करनी है ओवर द मंथ और एक मंथ के अंदर आप कैसे तैयारी कर सकते हो बहुत कॉमन जी क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि हम एक माह में तैयारी कर सकें तो येस आई ऑलवेज से दिस येस इट इज इंटायरली पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर द पीएसन टेस्ट ऑफ इंग्लिश इन वन मंथ बिकॉज इट्स एन ए आई बेस्ड टेस्ट इट हैज सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स अगर आप वो कर लो और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो तो यू विल बी रेडी फॉर द टेस्ट तो इतना ज्यादा वो टफ नहीं है So uh, as compared to the other standard test, so yes, you can go for the one month plan. And uh, the course that we offer is also of one month of duration. So, breakdown we follow karte, exactly usi ki baat ga, and I will exactly talk about And I hope if you are preparing on your own, you can follow this. So, first of all, uh, for the first week, what you need to do is you need to uh, first of all understand the pattern. मोराइज द टेम्पलेट्स तीन चीजें सिर्फ आपने करनी है सबसे पहले अंडरस्टैंड द पैटर्न जब पैटर्न समझने की बात आती है तो फर्स्ट वीक के अंदर सिर्फ आपका ये काम है आपने ये इंटरनलाइज करना है खुद को यह याद करवा लेना है कि कौन सा क्वेश्चन जब वो मल्टीपल सेक्शन में नंबर ऐड कर रहा है कौन सा एक सिंगल सेक्शन में नंबर ऐड कर रहा है कौन से क्वेश्चन इंटायर मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है और कौन से ऐसे हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हो ये अंडरस्टैंडिंग के पार्ट में आ जाएगी ये सारे पैटर्न के पार्ट में आ जाएगी और उसकी जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आ जाएगा हमारे पास जो बेसिक्स हैं उसके अंदर बेसिक्स कवर करने का क्या मतलब है कि जितने भी क्वेश्चन अब जब आपको पता चल गया कि जो मल्टीपल सेक्शन में कर रहे हैं आप उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो उनको सॉल्व करो और ये देखो कि उनका मार्किंग क्राइटेरिया क्या है मैं यहाँ पे ये चीज़ भी ऐड कर देता हूँ कि आपने साथ में ये भी नोट करना है कि मार्किंग क्या है उसकी मतलब अगर एक रीड अलाउड है तो वो कितने नंबर जो है वो आपके रीडिंग में ऐड कर रहा है और वो कितने नंबर आपके जो है वो स्पीकिंग में कर रहा है ये जो है ना इसको हम कहते हैं मार्किंग क्राइटेरिया मतलब इसको हम सोर्ट ऑफ थोड़ी मार्क uh, डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ले जाएंगे हम इसको हम इसको हम बेसिक कवर करने की तरफ ले जाएंगे और अगर हम मार्किंग क्राइटेरिया की बात करें तो फिर उसमें आपने देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या, -क्या चीज मैटर करती है जैसे फ्लुएंसी मैटर करती है प्रोनाउंसिएशन uh, मैटर करती है आपकी और आपकी लट से कॉन्टेंट मैटर करता है कि आपने उसमें कितनी चीज़ें कवर की हैं तो इस तरह की कोई तीन चीज़ें जो है लट से वो क्राइटेरिया का पार्ट है उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है और आपने किस किस चीज़ को कवर करना है एंड ऑब्वियसली द टैम्पलेट्स जिस जिस क्वेश्चन में टैंपलेट्स यूटिलाइज होते हैं uh, जैसे कि आपका डिस्क्राइब इमेज है आपका रिटेल लेक्चर है आपके समरी वाले क्वेश्चन हैं और आपका ऐसे है वो सारे टैम्पलेट्स हैं वो आपने अच्छे से मेमोराइज़ कर लेने हैं इन द फर्स्ट वीक ठीक है उसके बाद आएगा अ मेजर पार्ट विच इज गोइंग टू बी द वीक टू वीक टू के अंदर आपने सिर्फ सेक्शन टेस्ट देने हैं आपने क्या करना है कि हर सेक्शन का एक एक टेस्ट देना है पूरा पूरा लिसनिंग का टेस्ट पूरा स्पीकिंग का टेस्ट सिर्फ सेक्शन नॉट बाद आपने उसका राइटिंग का टेस्ट और इस तरह की सारी जितने भी सेक्शन टेस्ट हैं वो आपने देने हैं और उसके बाद आपने अपने उस टेस्ट का जो ब्रेकडाउन है उसको देखना है कि वो क्या ब्रेकडाउन है उसमें क्या आ रहा है मेरे लिसनिंग के अंदर किसमें कट रहे हैं मेरे स्पीकिंग के अंदर किसमें कट रहे हैं मेरे राइटिंग में किसमें कट रहे हैं मेरे बाकी जो और मतलब चारों मॉड्यूल में मेरे जो क्वेश्चन वीक हैं वो कौन से क्वेश्चन है जो कि मेरे उस सेक्शन को हिट कर रहे हैं फिर आपने नेक्स्ट वीक में अपने वीक एरियाज कवर करने हैं ठीक है जितने भी आपके वीक एरियाज हैं मतलब वो तमाम क्वेश्चन uh, मिसाल के तौर पर अगर आप राइट कॉन्टिटेशन में स्ट्रगल कर रहे हो तो यू नो दैट के ये इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट एड्स मार्क इट एड मार्क्स बोथ इन द लिसनिंग एंड इन द राइटिंग सेक्शन सो यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट आपने जो है ना उसकी प्रैक्टिस करनी है सो uh, so इस तरह से यू विल रियलाइज वट आर द वीक एरियाज इन द सेकंड वीक एंड इन द थर्ड वीक यू विल बी एक्सपेंडिंग ऑन द वीक एरियाज और आप उनकी ही सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होगे और उनके ऊपर ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हो, कर रहे हो तो जो भी आपको टफ टाइम दे रहा है आपने उसके ऊपर अपना हाथ सेट कर लेना है ठीक है और अगर हम बात करें फिर फाइनल वीक की उसके अंदर आपने देने हैं फुल टेस्ट फुल एंड टेस्ट्स आपने देने हैं रोजाना उसका ब्रेकडाउन आएगा उस ब्रेकडाउन के ऊपर आपने फोकस करना है और उसमें जो भी तो जो भी थोड़ी बहुत कमी है उनको आपने इंप्रूव करना है और इसमें इस इस सेक्शन में बेहतर यह है कि आप किसी से कंसल्ट कर लो किसी टीचर को दिखा लो जो आपका ब्रेकडाउन आ रहा है क्योंकि खुद इंसान को अक्सर वो जो बीच के नो होते हैं वो समझ नहीं आते हैं तो अगर मिसाल के तौर पर कोई आपको यह समझ नहीं आ रहा कि मैं तो राइटिंग काफ़ी परफेक्टली कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मार्क्स कट रहे हैं तो मे बी यू नीड टू कंसल्ट सम्मान के मेरा ऐसे चेक कर दें उस ऐसे का टेम्पलेट चेक कर दें मेरे समी बारे क्वेश्चन चेक कर दें इसी तरह आप रीडिंग और लिसनिंग और बाकी सारे जो है अपने मॉड्यूल्स को दिखा सकते हो तो ये एक बड़ा सिंपल सा पैटर्न है और इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो बहुत कैलो के स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर वीडियोज़ बनाई हुई है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ अगर आप वो वाले क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हो फर्स्ट वीक के अंदर और उन्हीं के ऊपर एक्सपैंड करते जाते हो तो आप विद इन वन मंथ एक बहुत अच्छा टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो सो इफ यू विल ब्रेक डाउन योर यो प्रपेशन लाइक दिस यू जुड बी गुड टू गो विद द टेस्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन